नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। हम अक्सर अपने अधिकारियों के काम में ना करने पर खिंचाई करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन जब वे अपना काम पूरी निष्ठा से करते हैं तो तारीफ करने से पीछे नहीं हटते, हिचकिचाते नहीं हैं। महाराष्ट्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में नाले की सफाई की जांच के लिए एक महिला सफाई निरीक्षक खुद ही मैन होल में उतर गई। दरअसल मानसून को देखते हुए जिले में सीवेज की सफाई का काम चल रहा है, ऐसे में ठेकेदार को सफाई कराने का काम सौंपा गया था। काम में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए महिला निरीक्षक सुविधा चौहान है इनका नाम, खुद ही मैनहोल में उतर गए और इनकी इस कर्तव्य निष्ठा की तारीफ ही की जा रही है और इनका जो वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है। और देश की बात में अब बात जिनका बचपन खो गया है, वो जिनकी आवाज अपनों के खो जाने से गुमसी हो गई है। बात कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की। बच्चों की सुरक्षा के लिए बने राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अब तक बच्चों से मिली इस राज्यों से मिली जानकारी के अनुसार 3,621 बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों माँ पिता की मृत्यु हो गई है। 26,176 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक माँ या पिता को खो दिया है और 274 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको उनके परिवार ने ही छोड़ दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों पर सुनवाई की। राज्य सरकारों को आज निर्देश दिए कि ऐसे अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, इन बच्चों तक आर्थिक मदद जो राज्यों और केंद्र की स्कीम्स के तहत है तुरंत पहुंचाएं, इन अनाथ बच्चों को खाना, अनाज, दवाइयां और कपड़े मुहैया कराए जाएं, उन एनजीओस के खिलाफ कार्रवाई करें जो ऐसे बच्चों को गैर कानूनी तरीके से गोद दिलवा रहे हैं। राज्य सरकारें पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से अनाथ बच्चों की देखभाल की व्यवस्था करें और इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। तो बाल मजदूरी के खात्मे और बच्चों के शोषण पर लगाम के लिए संघर्ष कर रहे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान अनाथ हुए बच्चों का संज्ञान लिया है, हजारों हैं जिनके माँ पिता नहीं रहे। कोर्ट ने आज राज्य सरकारों से कहा है कि ऐसे बच्चों की शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, उनको आर्थिक मदद तुरंत दे। इस बीमारी का बच्चों पर गहरा असर पड़ा है। कस्बों से, शहरों से ये खबरें आईं कि बच्चे घरों में पड़े हैं, उनके माता पिता अस्पताल में दाखिल हैं, फिर खबर मिलती है कि पिता घर में मर गए हैं, उनकी लाश पड़ी हुई है, देहांत हो गया उनका और कोई आने वाला नहीं है क्योंकि वो कोरोना से पीड़ित हैं, बच्चे तड़प रहे हैं कि क्या किया जाए इनका। इस तरह की सूचना जब हमें मिली तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके ये आवाज उठाई कि कृपा करके हमें भी खबर दें, हम उनमें से प्रत्येक बच्चे की परवरिश का, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रखरखाव का जिम्मा लेने तैयार हैं, क्योंकि तब तक ये पहल नहीं की गई थी। मुझे अच्छा लगा कि उसी दिन के बाद फिर केंद्र सरकार से भी कुछ एक खबर आई, इसके बाद राज्य सरकारों से भी हमारी बात होती रही और खबरें भी आती रही। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, ये हजारों बच्चों का मुद्दा है, उन बच्चों का जिनके या तो माता पिता दोनों छीन लिए गए हैं इस कोविड महामारी के दौरान, या फिर ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से किसी एक का देहांत हो गया है। तो इनके लिए बहुत ही ठोस योजना के साथ, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एक करुणामय, एक संवेदनात्मक तरीके से समाधान ढूंढे जाएं। उन समाधानों में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अनेकों राज्यों सरकारों ने बच्चों के लिए योजनाएं बनाई है जिनके दोनों माता पिता चले गए या एक माता पिता नहीं रहे, योजनाओं का ऐलान भी किया गया है, लेकिन इसमें भी अड़चने कई हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए। कई अड़चने हो सकती हैं, जैसे कई माता पिता ऐसे हैं जिनके घर होंगे या थोड़ी बहुत संपत्ति होगी, दुकान होगी, कुछ होगा, तो वो किसके पास जाएगी, क्या उसका हश्र होगा, रिश्तेदार कैसे उस बच्चे का ध्यान रखेंगे, ये एक बात है। कोशिश तो हमारी यही होनी चाहिए कि परिवार के अंदर ही
दादा दादी चाचा चाची या इस तरह के लोग ईमानदारी के साथ उन बच्चों की परवरिश करें और उन्हें किसी अनाथालय में इस तरह के किसी होम के अंदर ना जाना पड़े, प्राथमिकता तो ये होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो उनको वजीफा या और कौन सी सुविधाएं घर में रहते हुए मिलेंगी, कैसे ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज इनका देखभाल करेंगी कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं कि नहीं है। और ये तभी संभव है जब हम सरकारी तंत्र के अलावा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर, सामाजिक संगठनों के साथ, धार्मिक संगठनों के साथ भी, मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों, मस्जिदों में काम करने वाले लोगों को जो भले हैं उनको भी आह्वान करें कि आप जिम्मा लीजिए इसका। ये एक राष्ट्रीय दायित्व है सभी का कि हम अपने बच्चों का रखरखाव करें, क्योंकि वो अपने या अपने माता पिता के किसी कारण से अनाथ नहीं हुए हैं, उसके पीछे इतनी बड़ी महामारी है और ये हमारे सबके बच्चे हैं। बिल्कुल कैलाश जी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो तालमेल की है, योजनाएं हैं लेकिन बच्चों तक कैसे पहुंचे, और ये जो तालमेल है इस पर ही बढ़ना होगा आगे। देखिए, तालमेल बैठाने के लिए पंचायतों के साथ, स्थानीय नगर पालिकाओं, नगर निगमों के साथ जो भी एक संस्थाएं हैं, जो मान्य संस्थाएं हैं, उनकी मदद लेनी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षकों की मदद लेनी चाहिए। शिक्षक बहुत बड़ा दायित्व इसमें निभा सकते हैं। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो वो पता कर सकते हैं कि बच्चे कहीं बाल मजदूरी में तो नहीं चले गए हैं जो अनाथ हुए थे, ऐसे बच्चे। स्थानीय एनजीओस की, सामाजिक संगठनों की मदद ली जा सकती है, जो मैंने अभी कहा कि ये काम मिल बैठकर ही होगा। और अकाउंटेबिलिटी भी तय किया जाए कि अगर कहीं गड़बड़ होती है तो जो सरकारी संस्था है, सरकारी तंत्र है, उसको इसकी सजा मिले या उसको इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए। तो ये जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी उन पॉलिसीज को लागू कराने की प्रक्रिया में, जो पॉलिसीज अच्छे तरीके से अभी घोषित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी जुड़ने के लिए। बहुत अहम बात है कि सरकारी तंत्र की जवाबदेही इस पूरे मामले में होनी चाहिए। बहरहाल देश की बात में आगे बढ़ते हैं, और अब वो खबर जिससे हम सबको सतर्क रहना है। संक्रमण कम होने से मास्क उतारने लगे हैं लोग, भीड़ दिखने लगी है। जैसे जैसे देश में कोरोना का संक्रमण घट रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू पूरी तरह से खोल दिया गया। अब इसका असर यह है कि बाजारों में जबरदस्त भीड़ है, और चिंता की बात यह कि बहुत से लोग ऐसे जो मास्क ही नहीं पहन रहे। जिस यूपी में एक महीने पहले कोरोना की वजह से मौत का तांडव था, हालात इतने खराब थे कि शमशान घाटों पर वेटिंग थी और गंगा में लाशें तैर रही थी, वहां अब एक्टिव मामले लगभग 14,000 बचे हैं। सरकार ने कर्फ्यू हटा दिया है, बाजार और मंदिर खुल चुके हैं। ये तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर की हैं, जहां पैर रखने की जगह ही नहीं, ना तो लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं, और देह से दूरी के नियम को तो भूल ही जाइए। मंदिर तो मंदिर, बाजारों में भी लोगों का तांता है। आगरा, जहां सैकड़ों लोगों की कोविड से मौत हुई, ये तस्वीरें वहीं के पुराने बाजार की हैं। लोग कोरोना से बेखौफ खरीदारी कर रहे हैं। यूपी के सबसे हाईटेक कहे जाने वाले शहर नोएडा में भी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये यहाँ का अट्टा मार्केट है। यहाँ न दुकानदार मास्क लगाए दिखे और न खरीदार। जरा इन भाई साहब को देखिए, आंखों में स्टाइल वाला चश्मा है और मास्क चेहरे से नीचे लटक रहा है, और ये बेखौफ मार्केट में घूम रहे हैं। जब हमने लोगों से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो जरा इन लोगों के दिलचस्प जवाब सुनिए। सर, मास्क जेब में है, मैंने गर्मी के लिए हटा दिया। सर सॉरी, लगा रहा हूँ। लगा अभी अभी सर ना। ठीक है सर, चला जी। नहीं मिल रहा? नहीं, भूल गया मैं घर पे। ऐसे डर नहीं लगता? जा रहा हूँ घर से, दोबारा ले लूँगा।
कुछ लोग तो हमें देखकर ही भाग गए। मास्क क्यों नहीं लगाती हो? एक दुकानदार तो हमें घबराकर बताने लगा कि वो पानी पी रहे, और जब हमने पूछा कि ग्लास कहाँ है तो जरा इनका जवाब सुनिए। देख लेंगे, दुकान तो है ही है यार। आप मास्क क्यों नहीं लगाते? अभी पानी पी रहा था सर। पानी कहाँ है? पी रहा। पानी पी रहे तो कहाँ? दिखाइए दिखाइए। पी रहा। किससे पानी पी रहे थे आप? जब गिलास ही नहीं तो क्या करूँ, दुकान खोल। हाँ जी। तो आप दुकान में जो लोग आते हैं उनको बोलते नहीं? बोलते हैं, हम खुद मास्क लगाते हैं। कोविड के नियमों के पालन की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन पुलिस तो मेन रोड पर खुद बिना मास्क लगाए अखबार पढ़ने में मशरूफ दिखी। जब हमने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले से मास्क ना लगाने की वजह पूछी तो उन्होंने घबरा कर मुंह में रुमाल लगा लिया। आपके प्रति जिम्मेदारी है, आपने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ है। पानी पी रहा था मैं अभी बोतल। मेरे पास फुटेज है, आप मास्क नहीं लगाते हैं। अभी देखिए, ये पुलिस वाले यहाँ की ड्यूटी लगी, उन्होंने हमें देखा है तो मुंह पर अपने रुमाल लगा लिया, और ये देखिए छुप गए हैं। और ये हकीकत है यहाँ पर नोएडा पुलिस की, कि जो है जिम्मेदारी, अब देखिए इन्होंने हमें देख करके मास्क लगाया, वो भी उल्टा सीधा मास्क लग गया है इनसे। जिनके घरों में लोग नहीं रहे उन्हें पता है कि लापरवाही का अंजाम कितना बुरा होता है। लोगों ने वो मंजर भी देखा है जब लोग इसी यूपी में बिना ऑक्सीजन के तड़प कर जान गंवा रहे थे, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लोगों की लापरवाही और पुलिस की ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू हटा लिया गया है, मार्केट खुल गए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मास्क लगाना। लेकिन आप देखेंगे यूपी में कर्फ्यू तो खुल गया है लेकिन मास्क नहीं लगाए हुए, और देखें भाई साहब को देखिए मूंछों में ताव दे रहे हैं लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो समझिए कि ये अपनी ज़िंदगी से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। बिल्कुल, इस खबर को गंभीरता से लेना चाहिए। मास्क जरूर पहने, भले ही हमारे जो नियम हैं कायदे अभी ढीले किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ही अगली खबर है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण एक बड़ी चुनौती है, खासकर यहां के ग्रामीण इलाकों में परेशानी बहुत बड़ी है। 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य ने जून में स्पेशल टीकाकरण कैंप लगाए, लेकिन ये कितने कारगर है देखिए ये रिपोर्ट। बीमारी न हो या तो कोरोना नहीं होगा ना, टीका लगाना आपको ना हो तो आपके परिवार में ना हो किसी के। हाँ, हमको भाई के भाई ना डरा ना कोई नहीं, सब कोई तो आपके परिवार का, आपके गांव का, मोहल्ले का, सब कोई तो लगवा रहा है। लगवाओ जी, हम लोग चलो लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, आप साथ का हम गलती भूल गए, वो जरूरी है ना सब, फिर नहीं तो रोग कंट्रोल कैसे होगा कोरोना बताओ। अब एक लोग का होगा तो सब हो जाए ना हो, हमको मरे के मर जा। डॉक्टर नीलम चौधरी और उनकी टीम में शामिल आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक कड़ा दिन। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उनको ग्रामीण इलाकों में लोगों को टीका लगवाने के लिए समझाने का काम दिया गया है। मेरे पीछे जिस तरह की बात हो रही है उससे आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी में रूरल वैक्सीनेशन कितना बड़ा चैलेंज है। यहाँ आप ये देखेंगे कि यूपी में 2 करोड़ लोगों को एक डोज टीके का लग चुका है, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो सिर्फ 36 लाख हैं, और ये बहुत कम संख्या है क्योंकि यूपी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कम से कम 23 करोड़ है, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की महज 1.5% आबादी को ही कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे हैं। देश के बड़े राज्यों के मुकाबले ये संख्या काफी कम है। हमारे यहाँ सब तैयार हैं। तुम लोग को टीका लगा है? उत्तर प्रदेश सरकार के नए अभियान में कोशिश ये है कि जून में 1 करोड़ नए लोगों को टीका दिया जा सके। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में करीबन 22 लाख लोगों को टीके लगे, यानी रोज औसतन 3 लाख। आप भी हम लोग के साथ में थे, लेकिन मोस्टली लोग तैयार हैं, कुछ लोग बिल्कुल हेजिटेट कर रहे हैं, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, तो वो नहीं हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो हम लोग उन लोगों को समझाते हैं कि आप प्रोटेक्ट रहोगे तो आपके बच्चे भी, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। 100 का टारगेट है तो कितना अचीव कर पा रहे हैं? हम लोग 80-90% तक अचीव कर लेते हैं। सर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, पूरा 100% हमें लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार हैं, और वो अगर किसी को एक बीमारी लग गई
तो पूरा परिवार झेल जाता है। एक चीज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है और शायद बाकी सरकारों ने भी देश भर में की होगी, वो ये है कि जो गांव के आसपास की सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किए हैं। जैसे ये एक विद्यालय है और आप देख सकते हैं कि यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है और ये कक्ष है जहाँ पे वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं। बहुत भीड़ नहीं है यहाँ, लेकिन तभी लोग आ रहे हैं और ये एक शायद अच्छी बात है। आप देख सकते हैं ये बुजुर्ग महिला अपना टीका लगवाने आई हैं। शायद इसलिए भी उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि अभी 18 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ शुरू नहीं हुआ है, 44 से ऊपर के ही लोगों का हो रहा है और इसलिए शायद भीड़ नहीं है। और एक चिंता का भी विषय है, इधर अगर आप देखें तो कुछ लोग हैं जो अपना टीका लगवा चुके हैं और यहाँ 30 मिनट जो वेट करना होता है कर रहे हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति, वो महिला, ये सब लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये जो दृश्य हैं रूरल इंडिया के, इससे आपको पता लगता है कि रूरल वैक्सीनेशन कितना बड़ा चैलेंज है यूपी जैसे राज्य के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रास्ता बड़ा मुश्किल दिख रहा है। पुलिस थाने में बैठे इस डॉक्टर की आंखों में आंसू हैं। लोगों को टीका लगवाने के लिए जब वो एक गांव में गए तो उनके और उनकी टीम के साथ बदसलूकी की गई। हम लोग एक तो राष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग हम जा रहे हैं, मिसव्यवहार हो रहा है, तो ये तो सरकार की दायित्व है कि हम लोग की रक्षा करे। अरे इधर आओ तो। उत्तर प्रदेश में सचमुच रास्ता आसान नहीं है। गाजीपुर में सुनील सिंह, बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में नाच गाकर अपना घर चलाने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने अब रोजी रोटी का संकट आ गया है। खाने की तकलीफ है, बीमार हुए तो इलाज की है, वैक्सीन लगाने के लिए भी इन्हें किसी सूची में नहीं रखा गया है, न ही प्राथमिकता मिली है। महाराष्ट्र से ये रिपोर्ट। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढने वाले किन्नरों पर कोरोना ने कहर ढाया है। हर खुशी के मौके पर बजने वाली तालियां खामोश हैं तो पेट भूखा रहने को मजबूर। भोपाल के मंगलवारा में अपने गुरु के साथ डेरे में रहने वाले ये किन्नर भूखे हैं, लेकिन जबान पर अब भी दुआ है। लॉकडाउन में ज़्यादातर तो निकलना हुआ नहीं और जैसे हम निकले भी हैं, कहीं हम समाज में गए हैं, जैसे घूमने के उससे ही गए हैं कि देखें माहौल कैसा है। हम गए हैं तो हमें खुद पता चला कि उनकी इतनी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, उनकी स्थिति खुद घर की ठीक नहीं थी, तो हम बस ऐसे ही नॉर्मली उनके गए और उल्टा उनको दुआएँ देखे हम और ऐसे ही आ गए। शादी तो हो नहीं रही, पोस्टपोन हो गई, कैंसिल हो गई। अब काम धंधे सभी कुछ बंद है लोगों के, पब्लिक के, किसी के पास में है नहीं, महीनों से घर में बैठे हुए हैं, गरीबी चल रही है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर बच्चा हो जाता है, कुछ हो जाता है तो हम लोग जाते हैं, तो अब उन लोग को देख के हम लोग खुद ही समझ जाते हैं कि उनके पास खुद नहीं है तो हम लोगों को क्या देंगे। घर में जो रखा हुआ दाल चावल शक्कर जो देते हैं सब लोग, उसमें से वही खाया पिया, सब्जी भाजी में थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन भगवान का शुक्र है खाया पिया, हमारे गुरु ने हम लोगों का बहुत ख्याल रखा है। कोरोना दुनिया से चला जाए और मेरे जितने भी जजमान हैं मालिक सबकी हिफाजत करें। भोपाल में किन्नरों के बड़े डेरे मंगलवारा, बुधवारा और इतवारा में हैं। कहते हैं भोपाल में राजा भोज के शासन में जब सूखा और अकाल पड़ा तो अकाल से मुक्ति के लिए राजा भोज ने किन्नरों को भुजरिया करने का आग्रह किया, जिसमें गेहूं के दानों को छोटे छोटे पात्रों के अंदर मिट्टी में अंकुरित होने के लिए रख दिया जाता है, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इनकी तालियों से मंगल होता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा था जो ट्रांसजेंडर सहायता मांगेंगे उन्हें 1500 रुपए का निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, लेकिन मंगलवारा में किसी को कुछ नहीं मिला। वैक्सीन में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ना तो 1500 रुपए दिए और ना कोई अनाज दिया, ना कोई गल्ला दिया। सरकार ने आज तक सबके ऊपर ध्यान दिया, कभी किन्नरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दुनिया से कोरोना का नाम चला जाए, बहुत किन्नर समाज तो ऐसा में बेपनाह इसके अंदर घर में बैठे हुए हैं, मुसीबतों का सामना हम लोगों ने करा है और बहुत किन्नर समाज परेशान है। भोपाल जिले में 167 थर्ड जेंडर हैं जिनके नाम वोटिंग लिस्ट में हैं। शायद ये इतना बड़ा वोट बैंक नहीं जो हुक्मरानों को इनकी परवाह हो। देश में लाखों किन्नर हैं जिन्हें सालों से वैसे भी समाज से सामाजिक दूरी या सोशल डिस्टेंसिंग का सामना करना पड़ा है। कोरोना काल ने इन किन्नरों से उनकी तालियों को भी छीन लिया और सबसे दुखद है कि शायद फर्क किसी को नहीं पड़ता।
भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। जानलेवा कोविड ने खौफ और एक नई तरह की बीमारी को जन्म दे दिया है। लोग अपने प्राण खोने, प्रियजनों के हमेशा के लिए साथ छोड़ जाने, अकेले रह जाने और नौकरी रोजगार आदि छिन जाने जैसे अंदेशों से दहशत में हैं और इस तरह से इनकी मानसिक परेशानियां बढ़ रही हैं। कोरोना के प्रकोप ने मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा घाव किया है। मुंबई के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि पिछली लहर की तुलना में इस साल मानसिक रोग वाले मरीजों की संख्या 500 फीसदी बढ़ी है। हर उम्र के लोगों पर इसका असर पड़ा है। कम से कम 500% बिल्कुल बढ़ गया है। रोज कम से कम 4-5 मरीज को मैं लाइव देखता हूँ, वर्चुअल नहीं, जिनके घर में कुछ हुआ है, जिनको बहुत डर लगता है, जिनको आत्महत्या के विचार आते हैं, जिनको बहुत गुस्सा भी आती है। एक 35 साल का कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है जिनके घर में 5 लोग गुजर गए। वो बिल्कुल स्तब्ध है, वो शॉक में है, उसे पता नहीं क्या हुआ, खाना नहीं खाता है, बात बिल्कुल नहीं करता है। और जब लोग आते हैं उसके पास तो लोग उसको बेवकूफ़ी के जैसे उसके साथ व्यवहार करते हैं, अभी भूल जाओ, आगे चलो, तुम्हारे बच्चे के प्रति देखो। और वो इतना शॉक में है कि वो किसी से बात नहीं करता है। जब मेरे पास आया, मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मैंने कंधे पर हाथ रख के कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बस इतना ही कहा। वो रो पड़ा। और एक बात मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जब वो रोते हैं तो उनको मत रोकना, कभी भी ऐसे मत कहना आगे देखो, बच्चे के प्रति देखो, जो हो गया हो गया, चुप रहो, रोने दीजिए, साथ दीजिए। हर एज ग्रुप में तकलीफें आ रही है। अगर बच्चों की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, डेली रूटीन खराब हो रही है, मोबाइल्स एंड डिवाइसेस पे गैजेट्स की डिपेंडेंसी बढ़ रही है। अगर बड़ों की बात की जाए तो काफी चिंता सताती है, फाइनेंशियल इश्यूज को लेकर, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है, काफी स्ट्रेस रहता है। अगर बड़े और बुजुर्ग की बात की जाए तो अकेलापन महसूस होता है। जो वो बाहर जा पाते थे, एक रूटीन एस्टैब्लिश था, किसी से मिलना जुलना वो सब कम हो गया है। तो इसकी वजह से काफी, अगर ओवरऑल बात करें तो काफी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट हुआ है। कई अस्पतालों से जुड़े साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अनुपम बुराडे बताते हैं कि कईयों में अनहोनी की आशंका ऐसी बढ़ी है कि वो अपनी वसीयत तक तैयार करा रहे हैं या पक्का कर रहे हैं कि उनके बैंक खातों और बीमा पॉलिसियों में नॉमिनी के नाम जरूर दर्ज हों। सीनियर सिटीजन्स में ये चिंता अभी थोड़ा सा ज्यादा दिखती है, क्योंकि अभी विल के लिए जो फिटनेस के लिए जो आते हैं, विल की वैलिडिटी के लिए पहले साइकेट्री फिटनेस की जरूरत होती है। उनमें देखा जाता है कि साइकेट्री की इलनेसेस है क्या, मानसिक संतुलन है क्या, और अगर संतुलन है तो विल अच्छी तरह से बन सकता है। सीनियर सिटीजन से ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तब तक आप थोड़ा सा विल बनाने के लिए थोड़ा सोचिए। इतनी घाई अगर चिंता की वजह से हो रही है विल बनाने की, तो थोड़ा चिंता को जाने दीजिए, थोड़ा सा सेटल हो जाने दीजिए, साइकोथेरेपी कर लीजिए, पहले अपने काउंसलर से बात कर लीजिए। काउंसलर्स के बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट जैसे मेडिसिंस भी ले सकते हैं, और मेडिसिंस के बाद में जब भी सारे सिम्टम्स चले जाएं उसके बाद में आप विल के लिए रेडी हो जाएं। इस घातक लहर में मनोचिकित्सक खुद भी तनाव में हैं। मेरे घर में भी 2 मृत्यु हुए हैं, एक मृत्यु अभी जून 4 को है, मैं बताऊँगा ना किसका। और मुझे ख्याल करने के लिए मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ, रोता हूँ उनके सामने। व्यायाम मैंने बंद नहीं किया, प्राणायाम मैंने बंद नहीं किया, और लोगों को एजुकेट करने का जो प्रयास है मैंने कभी बंद नहीं किया, और जिससे मैं अपना स्वास्थ्य ठीक रखता हूँ। डॉक्टर्स जो हैं, मैं यहाँ पे इसके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग इम्यून नहीं हैं मेंटल इलनेस के लिए। हमको भी स्ट्रेस हो सकता है, और अगर स्ट्रेस होता है तो हमें भी मदद लेने की जरूरत है। मनोचिकित्सक मांग कर रहे हैं कि जिस तरह कोविड टास्क फोर्स कई राज्यों में बनी है, ठीक उसी तरह हर जगह मेंटल टास्क फोर्स भी बने, ताकि इस अदृश्य दुश्मन से भिड़ने की तैयारी बड़ी और असरदार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है। देश की राजधानी दिल्ली में फिर से लगने लगे हैं नौजवानों को टीके।
दिल्ली के सरकारी टीकाकरण केंद्रों में युवाओं को टीकाकरण जो है एक बार फिर से वो शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार को कोवैक्सीन की डोज मिली है, तो अब फिर से 18 से 44 साल के बीच के लोगों को टीके लगने शुरू हो गए। साथ ही इस बार ये टीके मुफ्त में लग रहे हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 9 का दिल्ली सरकार का स्कूल, यहाँ 18 से 44 साल के लोगों को फिर से टीका लगना शुरू हो गया है। पहले कोवैक्सीन खत्म हुई तो यहाँ टीकाकरण रुक गया और फिर कोविशील्ड खत्म होने से पूरी दिल्ली के टीकाकरण केंद्र बंद हो गए। अब दिल्ली सरकार को फिर से कोवैक्सीन की 40,000 डोज मिली हैं। 18 से 44 साल के लोगों के लिए 3 मई से शुरू हुआ था और 12 मई तक यहाँ पे चला सेंटर, और उसके बाद 13 मई से यहाँ वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं थी, जो कि कल यानी 7 जून से फिर से शुरू हुई है। सो द कैंपस इज हबिंग विद पीपल हु आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। मई में जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई थी उनको अब राहत मिली है, क्योंकि बीच में सवाल उठ रहा था कि इनको दूसरी डोज कब मिल पाएगी। सर चिंता तो होती है, फ्रंटलाइन वर्कर हूँ मैं। अच्छा। चिंता तो होती है सर, क्यों नहीं होती। अच्छा। रात को 12:45 बजे तक बैठा हूँ तो मेरे को मिला है। अच्छा, मतलब कितनी मेहनत करी आपने इसके लिए? सर कल 7 घंटे ऑनलाइन बैठा हूँ। आपका कब से ड्यू था सेकंड डोज? 2 जून। हाँ, बहुत मुश्किल हुई मुझे वो करने में, एनरोल करने में। काफी पहले तो मेरी साउथ दिल्ली हुई थी, वो पेड थी। अच्छा, 11 तारीख के लिए? हाँ, तो अच्छा आपने ऑलरेडी बुक कर ली थी? हाँ। अच्छा, लेकिन बाय कल काफी ट्राई करी। कितने पैसे देने पड़ते आपको? 1260। ठीक है, मतलब आप पहले बुक कर चुके थे, लेकिन इस बीच में फिर आपको पता लगा होगा गवर्नमेंट के पास भी आ गई। गवर्नमेंट के पास आ गया, नियर बाय माय एरिया आ गया, मेरे घर के पास आ गई है, तो इस वजह से मुझे कन्वीनियंट। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं रोहिणी सेक्टर 8। दिल्ली सरकार ने सरकारी टीकाकरण केंद्रों में कोवैक्सीन केवल दूसरी डोज लेने वालों के लिए रिजर्व कर दी है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब दिल्ली के पास पर्याप्त कोवैक्सीन की सप्लाई आ गई है, और अब जिन जिन को भी 18-44 वाली कैटेगरी में सेकेंड डोज लेना है, अब अगर आप कोविन वाली ऐप खोलेंगे तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि कई स्लॉट्स अवेलेबल हैं जहां पर सेकेंड डोज कोवैक्सीन की आप लेने जा सकते हैं। जबकि प्राइवेट अस्पतालों को ऐसे निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब एक बात और साफ हो गई है कि दिल्ली के अंदर फिलहाल चाहे सरकारी टीकाकरण केंद्र हों या फिर प्राइवेट अस्पताल हों, कोवैक्सीन अगर लगेगी तो दूसरी डोज लेने वालों को लगेगी। पहली डोज लेने वालों के लिए कोवैक्सीन दिल्ली में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, हत्या के आरोप में जेल में बंद ओलंपियन सुशील कुमार मांग रहा है अपने लिए अच्छी खुराक। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ओलंपिक पदक विजेता सुशील पहलवान अब प्रोटीन और स्पेशल डाइट की मांग कर रहे हैं। वो जेल जाने से पहले टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। सुशील ने अदालत में स्पेशल डाइट के लिए गुहार लगाई है, जिस पर फैसला बुधवार को होगा। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में जेल जाने से पहले पहलवान सुशील कुमार टोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसे स्पेशल डाइट चाहिए। उसने रोहिणी कोर्ट में अर्जी भी दी है, जिस पर रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और अब बुधवार को फैसला आएगा। पहलवान सुशील के जानकारों की माने तो सुशील टोक्यो ओलंपिक में 74 किलोग्राम वर्ग में कुश्ती लड़ने की जोरदार तैयारी कर रहा था, जिसकी चर्चा उसने अपने जानकारों से भी की थी। लेकिन इसी बीच पहलवान सागर धनखड़ की हत्या हो गई और सुशील जेल पहुंच गया। सुशील को जेल में एक आम कैदी की तरह खाना मिलता है। जेल में सुबह नाश्ते के बाद दोपहर के खाने में 5 रोटी, 2 सब्जियां, दाल और चावल मिलते हैं। डिनर में भी ऐसा ही खाना मिलता है। अगर कोई कैदी चाहे तो महीने में जेल किचन से 6,000 रुपए तक का खाने पीने का सामान ले सकता है। लेकिन सुशील को स्पेशल डाइट चाहिए, जिसमें अच्छी प्रोटीन, ओमेगा 3 कैप्सूल, जॉइंटमेंट कैप्सूल, प्री वर्कआउट C4, हाई डे और मल्टी विटामिन शामिल हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज बैंड की भी मांग की है। एक ओलंपिक रेसलर की बात करें तो 3600 या 3800 कैलोरीज हर दिन उसको चाहिए होती है, तो उसका शेड्यूल एक अलग होता है। अगर वो रेस्टिंग पीरियड में भी है
कि उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, अभी एक ऑक्सीजन कैंप में जा रहा है, तब भी उसको मैं समझता हूँ कम से कम 1800 या 2000 कैलोरीज तक उसकी जरूरत होती है। अब तक कोर्ट मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर के खाने की अनुमति देता रहा है, क्या सुशील कुमार को ओलंपिक में जाने के नाम पर बाहर के खाने की अनुमति मिलेगी या फिर ये फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको बाहर के खाने की अनुमति मिल जाती है तो वो ओलंपिक के नाम पर बेल भी मांगेगा। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।